माय यूट्यूब चैनल लघु उद्योग भोपाल। वीडियो को पूरा देखने के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। कमेंट में बताइएगा वीडियो कैसा लगा। घर घर और हर घर में चलने वाला बिजनेस। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं मंगति पाटी एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल लघु उद्योग भोपाल में आपका स्वागत है। और आज हम आपको लेकर आ गए महादेवा इंडस्ट्री में, जहाँ के मशीनों का हब है। बट आज हम कौन सी मशीन के बारे में जानने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। हेलो मैम, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैम, सबसे पहले आप अपना नाम, कंपनी का नाम और यहाँ का एड्रेस बताइएगा। जी बिल्कुल, मेरा नाम पूजा शुक्ला है। हमारी जो कंपनी है महादेवा इंडस्ट्री, बरखेड़ा पठानी रोड पे, द कटारा स्कूल के जस्ट सामने है। जी मैम, तो मैम आज आप मुझे कौन सी मशीन के बारे में बताने वाली हैं और यहाँ पे कौन कौन सी मशीनें हैं, हम वो भी सारी चीजें आप मुझे दिखाइएगा एक बार। बट आज कौन सी मशीन के बारे में बात करने वाली हैं? जैसे मैम, हमारे यहाँ आपको कई प्रकार की मशीनें मिलेंगी। कम से कम 500 से लेकर 1000 तक की वैरायटी हमारे यहाँ होती है। बड़ी बड़ी मशीनें हमारे यहाँ ऑर्डर पे बनाई जाती है, क्योंकि हमारा मैन्युफैक्चरिंग प्लस ट्रेडिंग दोनों होता है। बाकी हमारे यहाँ जैसे दोना पत्ता, अगरबत्ती, स्लीपर, फिर आपका नोटबुक मशीन हो गया, वायनल मशीन हो गया, आटा चक्की हो गया, पास्ता हो गया, फिर नूडल्स मशीन हो गया, आपका हर तरह की वैरायटी आपको हमारे यहाँ मिलने वाली है। और पर्टिकुलर आज जिस मशीन के बारे में आपको बताने वाली हूँ, उसको पुरुष और महिलाएं दोनों ही व्यक्ति आसानी से चला सकते हैं। जी मैम, तो वो कौन सी मशीन है, क्या मुझे उसको दिखा सकती है और बता सकती? बिल्कुल बता सकती हूँ मैम। एक स्क्रबर पैकिंग मशीन, मतलब जो जूना होता है, आपका हर घर में चलता है। ज्यादातर इसका यूज महिलाओं को ही होता है, क्योंकि घर घर में क्या रहता है, महिलाएं इसका यूज करती हैं। बाकी जो मतलब बैचलर लोग रहते हैं, वो भी इसका यूज करते हैं। तो इस मशीन में आप आसानी से जूना पैक कर सकते हैं, मसाला पैक कर सकते हैं, टॉयज पैक कर सकते हैं, टूथब्रश पैक कर सकते हैं, मतलब आपका ऑल टाइप का जो पैकिंग वर्क होता है, इस मशीन में आसानी से पैक कर सकते हैं। मात्र एक डाई चेंज करते हैं, सिर्फ डाई को चेंज करना और बाकी ये सारी चीजें वो उसमें बना सकते हैं। बिल्कुल मैम, सिर्फ आपका डाई का खेल है। बाकी आप समझिए, एक छोटा पैकेट बड़ा धमाका वाला मशीन है, कि छोटी सी मशीन आपको कितना काम दे सकती है। एक मशीन लगा करके आप 4 गुना रोजगार बढ़ा सकते हैं। मतलब छोटा पैकेट बड़ा धमाका, मतलब ये मशीन तो छोटी सी है पर बड़ा धमाका इसका होने वाला है। तो मैम, अगर हम बात करें, ये जो मशीन है वो काफी छोटी देखने में लग रही है आपको, तो ये मशीन आपको कितने में आने वाली है और इस मशीन को हम कहाँ पे, गांव या शहर कहाँ पे लगा सकते हैं, ये जरा बताइएगा। जैसे मैम, इस मशीन का कोई ऐसी जगह, ऐसा स्थान नहीं है कि आप गांव में लगाए या शहर में लगाए। आप छोटे से कस्बे में भी लगा सकते हैं, गांव में, शहर में, हर जगह लगा सकते हैं। बाकी आप इस मशीन को देख पा रहे हैं कि ये मशीन 10x10 के रूम से भी छोटी जगह लेने वाली है। मतलब अगर हमारा घर 10x10 का है, तो छोटे से कॉर्नर से इस मशीन को लगा के हम स्टार्टिंग कर सकते हैं। मात्र 18,000 से हमारे इसकी प्राइस होने वाली स्टार्टिंग की। इस मशीन में आप जूना बना सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया टूथब्रश हो गया, ये भी आपका हर घर चलने वाली चीज है। सिर्फ आपको डाई चेंज करना है, मटेरियल आपको यहीं से मिलने वाला है। पूरा मटेरियल महादेवा कंपनी आपको देगी, इसकी ट्रेनिंग हमारे यहाँ से दी जाएगी, A to Z। कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाली, चाहे वो मशीन की हो या मटेरियल की हो। जी मैम, तो अगर हम बात करें मशीन का मैम, सबसे पहले तो ये जो मशीन है वो कैसे, मैनुअली चलती है मैम या ऑटोमेटिक चलती है? मैम, ये है ऑटोमेटिक डिजिटल मशीन है आपकी। इसमें सर क्या होता है, सेंसर दिया रहता है। डाई में आपको जूना रखना होता है, ब्लिस्टर रखना होता है, शीट लगानी होती है, और जब आप उसको मशीन के अंदर डाई लगाकर रख देते हैं, थोड़ा सा प्रेस करना होता है, एक बीप आती है, तुरंत आपका जूना पैक होकर तैयार हो जाता है। जी मैम जी, तो अगर हम बात करें, जैसा कि आपने बताया जूना पैकिंग करने के लिए, तो इसका जो मटेरियल होता है वो कौन कौन सा मटेरियल आता है मैम? जी देखिए मैम, इसमें मटेरियल रहता है, जैसे आपको बताया इसमें ब्लिस्टर होता है, फिर आपका स्क्रबर होता है, शीट होती है। बाकी इसमें दो क्वालिटी आती है आपकी, SS और MS, दोनों क्वालिटी आपकी चलती है। पर आपका SS जो होता है वो बेस्ट होता है, और जो MS होता है उसमें क्या होता है, जो लोहा आप देखते होंगे आजकल, लोग जो छोटे छोटे 5-5 रुपए में भी निकाल रहे हैं, कि आपका 10 रुपए वाला पैकेट होता है, पर 5-5 वाला जो चलता है उसमें आपका जो लोहा रहता है टूट के लग जाता है, उसमें हाथों में लगने का डर होता है, मतलब आपको उससे खरोंचे भी आ सकती है, घाव भी हो सकता है। वो जो क्वालिटी रहती है दोनों तरह की चलती है, पर हमारे यहाँ मोस्टली आपको SS बॉडी में A1 क्वालिटी का मटेरियल दिया जाएगा, जिससे आपको कभी कोई दिक्कत नहीं। तरह का इसमें मटेरियल होता है, एक होता है SS का और एक होता है MS का। अगर हम SS, जैसा कि आपने बताया मैडम कि SS और MS में, तो जो SS वाला होता है वो पूरी आपकी उसमें जैसे लोहा होता है, वो हाथ कटने का डर नहीं होता। जो MS का होता है उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती है। तो अगर हम बात करें मैं आपके मटेरियल का, रॉ मटेरियल का, तो मटेरियल भी आप ही कहाँ से मिलने वाला है? जी बिल्कुल मैम, मटेरियल हमारे यहाँ से मिलेगा, जूना हो गया, ब्लिस्टर हो गया, शीट हो गया, कुछ भी आपका ऐसा मटेरियल छूटने वाला नहीं है, जिसके लिए आपको अलग से बाहर परेशान होना पड़े, पूरा मटेरियल आपको महादेवा कंपनी देने वाली। जी मैम, अगर हम बात करें मैम सीट का, कि एक सीट अगर हम बनाते हैं
तो एक सीट बनाने का मेरा कॉस्टिंग क्या आने वाला है? जैसे एक सीट का जो आपका कॉस्टिंग आता है मैम, मात्र 2 से 3 रुपए आता है। अगर हम प्रॉफिट की बात करें, जैसे अगर हम लेते हैं कि एक शीट में जैसे 12 पत्ते होते हैं, 12 शीट में, ये 12 जूने होते हैं एक शीट में, अगर एक शीट पर हमें मतलब एक जूने पर अगर हम 1 रुपए का भी प्रॉफिट लेकर चलते हैं तो आराम से हमें कम से कम एक शीट पे 12 रुपए बच रहा है। और एक जो पेटी होती है उसमें आपका होता है 400 पीस, तो आपका कहीं नहीं गया, मतलब जो आपका प्रॉफिट होने वाला है अगर आप पर डे का भी लेके चलते हैं तो 4 से 5 हजार रुपए आपका प्रॉफिट होता है। पैसा ही पैसा हो गया पर डे का। तो जैसा कि मैडम ने बताया कि एक सीट में टोटल 12 पीस होते हैं। अगर हम एक पीस मार्केट में कितने का मिलता है? 10 रुपए का, है ना। अगर हम जो मार्केट में अगर उसका जो कॉस्टिंग है जैसा मैडम ने बताया 2 से 3 रुपया, अगर हम मैडम ने बोला 2 रुपया, अगर हम 3 रुपया भी अगर उस पे रखते हैं और एक पीस भी अगर हम 1 रुपया अगर बचाते हैं तो और एक सीट में 12 पीस मतलब 12 रुपया मेरा एक सीट पे बचा। और पर डे की अगर जैसा कि अगर हम 100 पीस अगर बनाते हैं, मतलब 100 सीट अगर हम बनाते हैं तो आराम से 1000-1200 रुपया तो आराम से हमारा आ जाने वाला है। तो मैम अगर हम घंटे की बात करें तो ये घंटे में इस मशीन से मतलब कितने हम पीसेस हम बना सकते हैं? एक घंटे की अगर बात की जाए मैम तो उसमें कम से कम 100 से 120 शीट आप आराम से पैक कर सकते हैं, जो की ये डिजिटल मशीन है। पर डे मतलब एक घंटे में अगर हम पर डे की बात करें तो मैम, पर डे की अगर आप बात करते हैं, कम से कम अगर आप एक घंटे में आप 100 शीट पैक करें, अगर 10 घंटा आप चलाते हो तो 1000 शीट आप आसानी से पैक कर सकते हैं। 1000 मतलब अगर हम 10 घंटा मशीन को अगर चला लेते हैं, 10000 पीस जैसा कि आपने बताया उसमें, तो कम से कम हमारा 10000 तो आसानी से हमारा निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा मौका है, ये मशीन काफी अच्छी आपको मिलने वाली है और इसकी साइज काफी छोटी है और आप एक 10x10 के कमरे का एक उससे भी अगर छोटा अगर रूम है तो आप आसानी से इस मशीन को ले सकते हैं। और मशीन को ले करके छोटे से कमरे में कम लाइट कम बिजली में ये मशीन चलने वाला है और कम बजट में ये मशीन आपको मिलने वाली है। तो ये इस मशीन का रेंज कितना होने वाला है अब मैडम से हम ये मैम इस मशीन का आपको प्राइस बताइएगा, क्योंकि हमारे जो व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो को देख पा रहे हैं उनको बहुत ही है कि ये मशीन मिलेगा कितने का। जैसे अगर आप इस मशीन की बात करते हैं तो मात्र 22000 में आपको ये मशीन मिलने वाला है और हमारे यहाँ स्टार्टिंग जो रेंज है उसकी 18000 से मात्र 18000। तो फ्रेंड्स मात्र 18000 में आपको ये मशीन मिलने वाला है, मात्र 18000 लगा करके आप महीने का लाखों रुपया आसानी से कमा सकते हैं। तो ये जो नंबर है, जो नंबर आपको स्क्रीन पे शो कर रहा है, आप लोग फटाफट उस नंबर पे कॉल कीजिए, संपर्क कीजिए और मशीन की सारी जानकारी घर बैठे ले लीजिए, क्योंकि आपको ये जो मौका है वो कहीं भी नहीं मिलने वाला है। बहुत ही कम रेट, कम जगह और कम बिजली में लगने वाली ये मशीन। मैम आपने ये सब कुछ तो बता दिया, अब एक लास्ट क्वेश्चन आपसे है, अगर हम मशीन की सेलिंग की बात करें तो मशीन की सेलिंग कहाँ कहाँ पे की जाती है? और अगर जो व्यूअर्स हमारे इस वीडियो को देख पा रहे हैं अगर उनको ऑफिस विजिट करना है तो वो कैसे आएंगे, या ऑनलाइन को मशीन मंगाना है तो वो कैसे मंगाएंगे? जी जैसे मैम हमारे जो मशीनों की डिलीवरी होती है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होती है। अगर आप भोपाल के तो लाइव आके मशीन को देख सकते हैं, आउट ऑफ भोपाल के हैं या आउट ऑफ इंडिया के हैं तो वीडियो जो हमारा आप देख रहे हैं, वीडियो पे लिंक दिया गया है, हमारा स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, नंबर पे कॉल करके आप वीडियो कॉल के माध्यम से मशीन को देख सकते हैं। बाय ट्रांसपोर्ट आपके ट्रांसपोर्ट तक आप मशीन को मंगवा सकते हैं। और जो लोग भोपाल आना चाहते हैं, मशीन को यहाँ देखना चाहते हैं, तो आपका हमारा भोपाल जंक्शन और रानी कमलापति दोनों ही स्टेशन से सीधे रेड बस का साधन मिलने वाला है, SR2 और 400 जो सीधे आपको हमारे ऑफिस के पास ही उतारेगा। जैसा कि मैम ने आपको बताया फ्रेंड्स कि आपका ये जो ऑफिस होने वाला है, आपको जो ये मशीन मिलने वाला है, आपको मशीन मिलने वाला है और मशीन की जो जानकारी आपको मिलने वाली है, यहाँ का प्रॉपर तरीके से जो आपका एड्रेस है वो है आपका बड़खेड़ा पठारी रोड लाहारपुर द कटारा हाई स्कूल के जस्ट सामने आपको ये ऑफिस होने वाला है। कहीं भी बढ़ते हैं, कहीं भी आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आपको रेड बस चलती है 404 या तो SR2, आप ये दो बस में अगर आप बैठते हैं और उससे यही बोलते हैं कि हमको द कटारा हाई स्कूल के पास में उतरना है तो सीधे स्कूल के सामने ला करके आपको वो उतारने वाला, तो कहीं भी भटकने कहीं भी जाने की जरूरत आपको नहीं है। और अगर आपको ऑनलाइन मशीन मंगाना है तो मात्र 30% अमाउंट आपको जमा करना है और घर बैठे मशीन को मंगा सकते हैं। आपको व्हाट्सएप के जरिए, कॉल के जरिए, वीडियो कॉल के जरिए सारी जानकारी आपको दे दी जाएगी। मशीन को अगर मंगाना है तो आपको ट्रांसपोर्ट के जरिए या तो TCI के जरिए मशीन को आपको भेजा जाएगा। जब आप मशीन देख लीजिएगा कि जो मशीन आपने वीडियो में देखा है या वीडियो कॉल में देखा है सेम वही मशीन अगर आपके घर तक पहुंची है तो ही आप 70% जो अमाउंट जो बचा हुआ है वो आप दे सकते हैं फ्रेंड्स।
लिए सिर्फ और सिर्फ आपके लिए मौका दिया जा रहा है। तो देर न करें, दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए, संपर्क कीजिए और मशीन की सारी जानकारी घर बैठे ले लीजिए। फ्रेंड्स, अब हम एक नए मशीन नए वीडियो के साथ में आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।